हाई एवरीवन, वेलकम टू मी डिजर एंड आई एम सौम्या। आज आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और सभी बच्चों का फेवरेट ये ब्यूटीफुल सा डोरेमोन केक। आज हम इसको घर में तैयार करेंगे बहुत आसानी से। तो चलिए देखते हैं इस डोरेमोन केक के लिए हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होंगी। इस केक को बनाने के लिए मुझे एक स्पंज की ज़रूरत पड़ेगी, जिसको मैंने 8 इंच के केक टिन में बेक किया है। आप इसके लिए कोई भी स्पंज यूज़ कर सकते हैं, वनीला स्पंज या फिर चॉकलेट स्पंज। मैंने अपने चैनल पे पहले ही आपके साथ वनीला स्पंज बनाने की रेसिपी शेयर की हुई है। ये स्पंज की रेसिपी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वहाँ से देख सकते हैं। स्पंज जब पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तब हमें उसे लेयर्स में कट करना है। यहाँ पर हम इसकी 3 लेयर्स कट करेंगे। स्पंज को कट करने के लिए हमेशा ब्रेड नाइफ का यूज़ करें, इससे फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आती है। तो यहाँ पर केक को कट करने के लिए टर्न टेबल पर रख कर इसको धीरे धीरे हाथ से घुमाते रहें और पहले हल्का सा मार्क लगा लें, उसके बाद इस नाइफ को इसके थ्रू अच्छे से पास करें। इस तरीके से आपकी लेयर्स बिल्कुल इवन कटेंगी। यहाँ पर 3 लेयर्स में मैंने इसको डिवाइड कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर एक केक बोर्ड लिया है, आप अगर इसे किसी प्लेट पर बनाना चाहते हैं तो वो यहाँ पर रख लें। अब हम यहाँ पर एक स्पंज की लेयर रखेंगे और इसको अच्छे से सोक करेंगे प्लेन वाटर के साथ में। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप यहाँ पर शुगर सिरप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी आधे कप पानी में लगभग 3 से 4 चम्मच चीनी डालकर मिक्स कर लीजिए और उससे भी आप इसको सोक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर नॉर्मल वाटर का इस्तेमाल किया है। ध्यान ये रखना है कि आपको एजेस पर बहुत अच्छी तरह से पानी लगाना है। इसको सोक करने के बाद यहाँ पर मैंने तैयार की हुई व्हिप क्रीम स्प्रेड की है और उसके साथ मैंने यहाँ पर अपनी चॉइस का एक क्रश यूज़ किया है। आप इसमें कोई भी चॉइस का क्रश यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर जो यूज़ किया है वो बटर स्कॉच है। अब हम इसे अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। क्रीम को अच्छे से स्प्रेड करने के बाद हम अपने केक की टॉप लेयर को उल्टा करके रख देंगे। जो टॉप लेयर होती है उसमें थोड़ा सा डोम शेप होता है, तो इस तरीके से उल्टा रखने से आपकी केक की हाइट काफ़ी अच्छी आती है। और इसको रखने के बाद थोड़ा सा हम इसे सोक करने के बाद यहाँ पे जो साइड्स के गैप हैं उसको अच्छे से फिल कर लेंगे। अगर आप साइड्स के गैप्स को पहले फिल नहीं करते हैं तो उससे आपकी जो केक की हाइट है वो इवन नहीं आती है और केक थोड़ा सा तिरछा हो जाता है। तो आप अगर इस तरीके से साइड्स को फिल करते जाएंगे तो आपका केक इवन हाइट पर ऊपर जाएगा और उससे फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आएगी। तो यहाँ पर दोबारा से मैंने स्पंज के ऊपर की टॉप लेयर को सोक किया और उसके बाद इसके ऊपर व्हिप क्रीम को स्प्रेड किया। दोबारा से इस वही क्रश डाला है और इस क्रीम को अच्छे से स्प्रेड किया है। एक्स्ट्रा क्रीम को निकाल देंगे नाइफ़ की हेल्प से। यहाँ पर जो नाइफ़ यूज़ किया जाता है क्रीम को स्प्रेड करने के लिए उसको पैलेट नाइफ बोलते हैं। अब मैंने यहाँ पर केक की जो बेस लेयर है उसको यहाँ पर उल्टा करके रख दिया है। अब हम बेस लेयर पे हल्का सा फोक से इस तरीके से निशान बना देंगे ताकि जो अब हम ऊपर से इसकी सोकिंग करेंगे वो अच्छे से सोक हो सके। आप चाहें तो ये ऊपर की जो क्रस्ट है इसको थोड़ा सा निकाल भी सकते हैं ब्रेड नाइफ़ की हेल्प से। और अब हम यहाँ पे फिर से साइड्स कैप को फिल कर लेंगे। अभी हमें इसकी क्रम कोटिंग करनी है, तो यहाँ पर एक क्रीम की बहुत ही पतली लेयर लगाएंगे और एक्स्ट्रा क्रीम को निकाल देंगे। ऐसा करने से हमारा केक काफ़ी अच्छे से सेट होता है और इसके जो ब्रेड क्रम्स हैं वो बाहर फाइनल फिनिशिंग में नहीं आते हैं। मैंने इसको आधे घंटे तक के लिए रेफ्रिजरेट किया है ताकि फिनिशिंग लुक काफ़ी अच्छा आए। अब यहाँ पर फाइनल कोट करने के लिए मैंने यहाँ पर फिर से व्हिप क्रीम को स्प्रेड किया है। अब जो व्हिप क्रीम हमें यूज़ करनी है उसमें किसी भी तरीके का क्रश नहीं लगाना है और बस अब हम इसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे। यहाँ पर इसको अच्छे से फिनिशिंग करने के लिए मैंने यहाँ पर आज जो यूज़ किया है वो है, कोई भी आप देखेंगे जब आप कपड़े वगैरह खरीद के लाते हैं तो उसके साथ में जो प्राइस टैग होता है उसके साथ एक हल्का सा स्टिफ टाइप का जो मटेरियल होता है उसका हम यूज़ करेंगे और इससे फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आती है। वो हल्की सी प्लास्टिक मटेरियल का होता है और उसको आप यूज़ करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा जो स्क्रेपर्स होते हैं वो यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज मैं पूरे केक को इसी से फिनिश करने वाली हूँ और आप देखिए कितने अच्छे से इसकी फिनिशिंग आई है और बहुत आसानी से हो जाता है। आप इसको रीयूज़ भी कर सकते हैं क्योंकि ये प्लास्टिक कार्ड होता है, जैसे आप ATM कार्ड्स या फिर जो ताश के पत्ते होते हैं उनका भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर साइड में डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर केक कॉम का यूज़ किया है। अगर आपके पास है तो यूज़ कीजिए, वरना आप इसे बिना केक कॉम के भी बना सकते हैं। तो कॉम को 2 बार इस तरीके से बहुत हल्के हाथों से चलाएंगे ताकि हम इसकी सारी एक्स्ट्रा क्रीम को ना निकालें। केक हमारा तैयार है। अब हम ऊपर ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो इसके लिए मैंने पैलेट नाइफ की हेल्प से इस तरीके से 2 यहाँ पर लाइंस ड्रॉ की हैं। पैलेट नाइफ को बिल्कुल स्ट्रेट रखते हुए यहाँ पर मैं 2 लाइंस और ड्रॉ करूँगी।
अब हम इस तरीके से एक वर्टिकल लाइन इसके ऊपर ड्रॉ कर लेंगे। जो ग्राफ पैटर्न है वो आपको आगे और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने एक टूथपिक ली है और इसकी हेल्प से मैं यहाँ पर बीच में सेंटर में एक किस तरीके से सर्कल बना रही हूँ। अब मैंने यहाँ पर एक छोटा सा बॉटल का कैप लिया है जिसकी हेल्प से मैं यहाँ पर दो आईज ड्रॉ करूँगी। अब ये ग्राफ पूरा रेडी हो गया है ऑलमोस्ट। यहाँ पर छोटी सी मैंने यहाँ पर नोज़ भी ड्रॉ कर दी है और साइड में जो डोरेमोन के छोटे छोटे से मूछें होती है वो भी यहाँ पर इस तरीके से स्टिक से ड्रॉ कर लेंगे। और अब ये ग्राफ बिल्कुल रेडी है। अगर आपको यहाँ पर विजिबल नहीं है तो आपको आगे स्टेप में क्लियर हो जाएगा। अब इस ग्राफ को जो हमने ड्रॉ किया है इसको आउटलाइन करने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा न्यूट्रल जेल लिया है और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया। इसको थोड़ा सा पतला करेंगे और उसके बाद मैंने यहाँ पर ब्लैक जेल कलर का यूज़ किया है। इसकी एक से दो ड्रॉप डालने के बाद इसको हम पाइपिंग बैग में भर लेंगे और यहाँ पर इस तरीके से आउटलाइन कर लेंगे। अगर आपके पास ब्लैक जेल कलर नहीं है तो आप यहाँ पर चॉकलेट को मेल्ट करके उसको भी पाइपिंग बैग में भर कर इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से बहुत हल्के हाथों से हम ये सारे ग्राफ को ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए आप कितनी आसानी से ये डोरेमोन का फेस रेडी हो गया है। अब मैंने यहाँ पर छोटा वाला स्टार नोजल लिया है और इसके अंदर मैंने पाइपिंग बैग के अंदर प्लेन व्हिप्ड क्रीम को फिल कर लिया है। अब यहाँ पर इसकी आईज़ के ऊपर हम इस वाइट कलर को फिल कर देंगे और ऊपर से दोबारा से हम थोड़ा सा ब्लैक जो हमने न्यूट्रल जेल फिल किया था उससे यहाँ पर आईज़ ड्रॉ कर देंगे। अब जो बाकी फेस का पार्ट है उसको हम वाइट छोटे वाले स्टार नोजल से फिल कर लेंगे। ये देखिए सारा फिल हो गया है। अब मैं यहाँ पर बीच में थोड़ा सा न्यूट्रल जेल में मैंने येलो कलर मिक्स किया है और इसको भी मैं यहाँ पर स्प्रेड कर दूंगी। और जो साइड का पोर्शन है इसमें हम न्यूट्रल जेल में थोड़ा सा रेड कलर मिक्स करके इसको साइड में फिल कर देंगे। जैसे डोरेमोन के कार्टून में हमेशा दिखता है उसी तरीके के कलर्स का यूज़ करेंगे। और यहाँ पर जो साइड्स है इसको फिल करने के लिए मैंने यहाँ पर N1 नोजल यूज़ किया है, स्टार N1 वाला। और जो गैप्स यहाँ पर रह गए हैं उनको फिल करने के लिए मैंने अगेन यहाँ पर छोटा वाला स्टार नोजल यूज़ किया है। और इस तरीके से हम सारे गैप्स को फिल कर देंगे। इससे फिनिशिंग काफ़ी अच्छी दिखती है और ये देखने में बहुत ब्यूटीफुल लगता है। तो ये ब्यूटीफुल से डोरेमोन केक ऑलमोस्ट बन के बिल्कुल तैयार है। अब मैं आपको इसका वेट भी चेक करा देती हूँ। ये लगभग 1 किलो का केक बन के रेडी हुआ है। अगर आप मेरी उस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ आप 1 kg का केक प्रिपेयर कर पाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेड इज़ हियर।